मध्य प्रदेश के दतिया जिले से फूड पॉइजनिंग से जुड़ी एक खबर सामने आई है। यहाँ हलचट त्योहार के अवसर पर समा के चावल का सेवन करने से 30 महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गईं। दतिया के भांडेर में हल छठ का व्रत रखने वाली 30 महिलाएं समा के चावल खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गईं। मिली जानकारी के अनुसार हल छठ पूजा के बाद फलाहार के रूप में समा के चावल खाए गए थे और कुछ ही समय बाद उल्टी पेट दर्द के साथ तेज घबराहट होने लगी, तो परिजन महिलाओं को भांडेर अस्पताल लेकर गए, जिसमें करीब 25 महिलाओं को भांडेर अस्पताल में एडमिट किया गया है, जबकि 5 महिलाओं को दतिया जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। बता दें कि महिलाओं की स्थिति सामान्य है। ये जो पेशेंट आए ज्यादातर महिला है, कुछ लड़की भी है, कुछ बड़ा सुपन गाँव से आए हैं। इन्होंने वो जो चावल होते हैं समाज के चावल व्रत में उपयोग किया जाता है, उनका सेवन किया, उसके बाद जो है चक्कर और उल्टी की समस्या आई है। तो अभी लगभग 10 पेशेंट अपने पास आए हैं, तो अभी प्राथमिक उपचार के बाद ज्यादातर ठीक हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है कि कोई दिक्कत आती है तो उसको हम रेफर कर देंगे समय से, और हमने वरिष्ठ चिकित्सक को बता दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।